नमस्कार दोस्तों, कंबल रजाई पैक कर दो, सर्दियाँ जा रही है। पंखे कूलर साफ कर लो, गर्मियाँ आ रही है। बनाकर चलो गुजिया खाए, होली का त्योहार मनाए। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ना फटेगी और ना ही सूखेगा और ना ही मुलायम पड़ेगी। यह गुजिया एकदम खस्ता और क्रिस्पी, हलवाई से भी ज्यादा बढ़िया बनेगी। होली में आप कितना भी मिठाई बना लो, लेकिन गुजिया ना बने उसके बिना अधूरा रहता है। आज मैं लेकर आई हूँ 100% जबरदस्त टेस्टी और खस्ता और क्रिस्पी गुजिया का आसान तरीका, जो सिर्फ 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 400 ग्राम आटा ले ली हूँ। आटा को सबसे पहले मैं घी से मोइन दे लेती हूँ। कभी भी आप गुजिया बनाइएगा तो घी से ही मोइन दीजिएगा। घी से मोइन देने से क्या होता है कि उसे क्रिस्पी और क्रंची बनी रहती है। इस तरह हम इसको मोइन दे के अच्छे तरीके से, और इसको चेक भी कर लेंगे कि हमारी ये आटा मुट्ठी में लोई के जैसा बन रहा है कि नहीं, लड्डू के जैसा। जब ऐसे लगे तो समझ लो हमने परफेक्ट तरीके से आटे को मोइन दे ली हूँ। अब इस तरह से मैं इसको एकदम खस्ता आटा सानकर मैं तैयार करूंगी, और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी ताकि एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। इस तरह से हमने अपना आटा तैयार कर लिया हूँ। अब मैं इसको कवर करके धर देती हूँ 15 मिनट के लिए। अब चलते हूँ गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस को ऑन किया कढ़ाई रखने के बाद। उसमें 2 चम्मच घी डालने के बाद यहाँ से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हूँ, साथ में किशमिश भी डाल दी हूँ। अब मैं गरे को कस करके रखी थी और उसको भी इसी तरह से भून लेती हूँ और निकाल लेती हूँ। यहाँ पे घी डालने के बाद मैं यहाँ 400 ग्राम रवा ले ली हूँ। रवा को अच्छे से मैं इसको भूनूंगी 10 से 15 मिनट तक मीडियम आंच में, ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए कलर इसका चेंज होने लगा है। इस तरह से करने के बाद, मैं इसको अच्छे से पकाने के बाद, भूनने के बाद, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे मावा ले ली हूँ 400 ग्राम। इसको छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ, और इसमें जो क्रिस्पी क्रंचपन रहता है, और ऐसे करने से इसका सब निकल जाता है और ये अच्छे से एकदम माइल्ड हो जाता है, और गुजिया बनाने के लिए ये बहुत आसान रहता है। इस तरह से देखिए ये हमारा एकदम अच्छे से खोआ एकदम मस्त तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, और इस तरह से ये तैयार हो गया। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हमने एक थाली में रवा को जो भुना था वो रखा है, और ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाली हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर है, फ्लेवर के लिए डालने से इसमें इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, और इस तरह मैं चम्मच की सहायता से मिला लेती हूँ। और मावा हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं उसको इसमें इसी तरीके से अच्छे से मिला लूँगी, और अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमने चीनी को पीस के उसका पाउडर बना ली हूँ। कभी भी आप इसमें चीनी मिलाइए, ये एकदम ठंडा हो जाए। ठंडा होने से क्या रहता है कि चीनी मिलाने से इसमें जो थोड़ा सा गीलापन शीरा टाइप में होता है वो कभी नहीं होगा, और एकदम ऐसे बना रहता है अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कितना भर्रा बना है, और एकदम परफेक्ट तरीके से ये अच्छे से मैं इसको इस तरह से मिला ली हूँ। अब मैं सबसे पहले चलती हूँ यहाँ पे ये आटा देखती हूँ। आटा को आप देख सकते हैं ये कैसा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे मैश कर लूँगी जिससे ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से मैश करने के बाद ये देखिए पहले और अब के आटे में बहुत अंतर है। ये हमारा अच्छे से मैश हो गया है, एकदम मुलायम है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कभी भी आप गुजिया बनाइएगा, आटे को हमेशा कवर करके रखिएगा ताकि उस पर जो परत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। इस तरह मैंने इसको एक लंबी लेयर में करके इस तरह छोटे छोटे लोइयाँ काट लूँगी, और इसको पेड़े के आकार में मैं ये सारी लोइयों को बना लेती हूँ, जैसे पेड़े बनाते हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हूँ। आप इसको चौके या प्लेटफॉर्म पे आप इसको इसका बना सकते हो, तो मैं यहीं किचन के प्लेटफॉर्म पे इसको मैं अच्छे से लोई को तैयार करूँगी इसी तरीके से। इस तरीके से तैयार करने के बाद यहाँ पे हमने ये साँचा ले रखा है, आप देख सकते हैं, और आप कोई भी आकार का बना सकते हैं। ये साँचे पे इस तरह रखने के बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच ये जो है मसाले वो इसमें भर के मैं अच्छे से इसको दाब दूंगी, और साइड से थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि ये हमारा गुजिया कभी भी तेल में फ्राई करोगे तो कभी भी नहीं खुलेगा, और एकदम क्रिस्पी क्रंची बना रहेगा।
ये देख सकते हैं, इसी तरह से मैं दूसरी भी लोइयां लेके तैयार कर लेती हूँ, वो भी साथ में। इस तरह से तैयार करने के बाद मैं अच्छे से उसको भी इसी तरह से भर लूँगी और इसी तरह से मैं सारी जो गुजिया हैं तैयार कर लूँगी। इस तरह इसको दबा के भरने से एकदम परफेक्ट तरीके से भर भी जाता है। और ये देखिए, ये गुजिया भी हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से हम सारी गुजिया तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखने के बाद उसमें मैं तेल डाल देती हूँ। तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम आँच में ही गुजिया को फ्राई करेंगे। फास्ट आँच में क्या होता है, गुजिया ऊपर से तो परत जो इसकी जल जाती है लेकिन अंदर से कच्चापन रहता है। कभी भी गुजिया फ्राई करने के लिए आँच को हमेशा स्लो करके ही फ्राई करिएगा। इस तरीके से हम गुजिया को अच्छे से पका लूँगी। गुजिया पकाने के लिए 1 से 2 मिनट लगते हैं क्योंकि मीडियम आँच में मैं पका रही हूँ, और ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची भी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसको अलट पलट दूंगी ताकि दोनों साइड अच्छे से हमारी जो गुजिया है वो पक के तैयार हो जाए। होली एक ऐसा त्योहार है जो बच्चों का एकदम फेवरेट है क्योंकि उनको 2 दिन पहले से ही गुलाल रंग खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है एकदम परफेक्ट तरीके से। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी क्रंची दिख रही है ना, एकदम सॉफ्ट, कितने परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं सारी गुजिया को फ्राई करके निकाल लूंगी। इसी तरह मैं इसको भी सारी गुजिया को मैं फ्राई कर लूंगी। ये लीजिए, होली स्पेशल में गुजिया एकदम क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हो गई है। आप इसको देख सकते हैं, बनाते बनाते मुंह में पानी भी आ जाता है। ये ऐसी गुजिया की रेसिपी है। तो हमारी वीडियो आप सबकी कैसी लगी? आई होप मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। होली की ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार दोस्तों।